الرحمن <applause> الرحيم <applause> नाम जो रो तिला वो शाम खोफोत वो आहटों की दहशत वो डूबती परछाई सफर शाम जिसका आगाज मदीना नुक़ः उूज करबला और अंजाम शाम है दस मुहर्रम को हक और बातिल के दरमियान एक ऐसी जंग छिड़ गई जिसमें बाजाहिर बातिल की हुई मगर कयामत तक हक सुरखुरु हो गया यजीद सिर्फ एक मोर्चा जीता था लेकिन वो जंग हार चुका था करबला के आखिरी शहीद इमाम हुसैन हैं आप बेपनाह बहादुर और शुजात हुसैन मजलूम जरूर हैं, मगर मजबूर नहीं हुसैन की बहन जनाब जैनब एक मकाम बुलंद से अपने भाई की जंग देख रही थी इस मकाम को तिल्ले जैनबिया कहा जाता है आप हुसैन इबन अली के फर्जंद इमाम जैनिदीन के खैमे में तशीफ लाई सज्जाद से जैनब का ये कहना कि मौला जागिए गफलत से आंखें खोलिए लुटता है कुंबा, जागिए, उठते हैं शोले देखिए जलता है खैमा जागी जर्रियत यासिन ताहा जागिए, जनाब सज्जाद बीमारी के बायस जंग में शरीक न हो सके थे पुफी से सवाल करते हैं कि बाबा कहाँ हैं आप कहती हैं कि सब शहीद हो गए आप खैमे से बाहर आते हैं आसमान की तरफ निगाह उठती है फौरन सलाम करते हैं जनाब जैनब पूछती हैं बेटा किसको सलाम किया कहा कि मेरे बाबा का सर नो के नेजा पर है जब करबला के दश्त से नेजों पे सर लाए गए फतेह अजीम शान के ऐलान फरमाए गए बागों का रुख मोड़ा गया खेमे उतरवाए गए कुरान के सारे वरक शोलों पर फैलाए गए जलती हुई मौजों के दामन में सफीना आ गया आशूर के सूरज के चेहरे पर पसीना आ गया पर और सूरज गुरूब हो गया तारीकी ये शब में चांद भी बादलों में छुप गया वो भी इस मंजर की ताब न ला सका और शाम गरीबा का अंधेरा छा गया रसूल की नवासी अली की बड़ी बेटी जैनब करबला के सहरा में बेआब गया जंगल में जले हुए खैमों के दरमियान औरतों और बच्चों को जमा करती हैं उनके दिलों को तसली और ढारस देती हैं और अब इस लुटे हुए काफिले की सिपाशालार भी जनाब जैनब हैं आपने जिस अजम रासिख जज्बा ईसार सब्र जहाज सब्राम का मुजाहरा किया उसकी तारीख इस्लाम में कोई दूसरी मिसाल पेश नहीं की जा सकती आपने हुसैन इबन अली के अजीम मकसद में भरपूर साथ दिया और शरीकतुल हुसैन कहलाई ग्यारह मुहर्रम की वो सुबह थी जब अहल बैत को कोफा जाने का हुक्म मिला करबला से कोफा का फासला छप्पन मील का है यह फासला बहुत सूरत से तय किया गया और रिवायत के मुताबिक काफ़िला ग्यारह मुहर्रम की शाम को कोफा पहुंच गया था मस्जिद हनाना कोफा की कदीम मसाजिद में से एक है और यहीं पर शहदा के सरहाये अकदस रखे गए थे और अहल बैत ने यहाँ क्याम किया था और यहाँ से इबन जियात के दरबार में ले जाया गया जिसे कसरे दारुलमारा कहा जाता है को आरास्ता किया गया और हर खास आम को शिरकत की इजाजत थी हुकूमत की जानव से ऐलान किया गया था कि अमीर पर एक खारजी ने खूज किया है इसके मुकाबले में हुकूमत को कामयाबी हुई है आज उसके अहलो अयाल को गिरफ्तार करके कोफा लाया गया है बाजार कोफा से कसर तक लोगों का अजलहम था फता के नकारों पर चोट पड़ रही थी जब अहले बैत को जियाद के सामने पेश किया गया तो उसने जनाब जैनब से मुखातिब होकर कहा कि सुनती हो ये मेरी फतह के शादियाने हैं ये मेरी फतह का ऐलान है शादियाने खामोश हुए अजान की आवाज गूंजी आपने कहा जरा गौर से सुन इन अल्फाज को ये मेरे भाई की फतेह का ऐलान है ने बंद हो जाएंगे लेकिन ये अजानता कयामत गूंजती रहेगी और मेरे भाई की हक्कानियत और उसूल पसंदी की याद दिलाती रहेगी उसने जनाब जैनब से मुखातिब होकर कहा कि खुदा ने तुम्हारे भाई को कत्ल किया और तुम्हें रस्वा किया और तुम्हारे दावे और झूठ को आशिकार कर दिया जनाब जैनब ने उस वक्त खुतबा इर्शाद फरमाया शुक्र है खुदा का जिसने हमको बुजुर्गी और करामत अता फरमाई अपने नबी मुहमद वसल्म की वजह से पाक किया और हमको हर नजासत तो नापाकी से जो हक पाक करने का था पाक किया और अनकरीब फासिक रुस्वा और जलील होगा और फाजिर झूठा है इब्ने जियाद ने कहा तुमने देखा कि खुदा ने तुम्हारे भाई हुसैन से क्या सलूक किया जनाब जैनब ने फरमाया कि मैंने सिवाय नेकी और खैर के और कोई चीज खुदा की जानब से नहीं देखी हम अहले के लिए अल्लाह ने शहादत मुकदम फरमाई वो लड़े और शहीद हो गए तुझे एक दिन खुदा के सामने जवाब देना होगा उस दिन के लिए तैयार हो जा अफसोस तू आर्जी कुत और इकतदार के नशे में चूर है तेरी ये हुकूमत और सल्तनत दुनिया जायल होने वाली चीज है हुसैनी इंकलाब ने कोफे के इस कसर को रहती दुनिया तक के लिए जमीन बोज कर दिया जो आज हमारी नजरों के सामने है जनाब जैनब के कोफे में इस खुतबे के बाद लोगों को हकीकत का इल्मा दरअसल ये कैदी बागी नहीं बल्कि अहले बैत रसूल हैं इबन जियाद को कोफे में बगावत का खतरा महसूस हुआ तो उसने काफिले को जल्द जल्द शाम रवाना कर दिया कोफे से शाम जाने के दो रास्ते हैं लेकिन अहल बैत को तवील और आबादी से दूर अलजीरा वाले रास्ते से ले जाया गया ताकि किसी मजाहमत का सामना न हो इस रास्ते का फासला तेरह सौ पचास किलोमीटर है और ये मसाफत अट्ठारह दिन में तय की गई अहल बैत को कूफे से तकरीत जार नसीब एन रसुल् हलब कंसरी एन कफरताब हु और बबलक से दमिश्क पहुंचाया गया इस रास्ते में अहल बैत ने मुख्तलिफ मकाम पर क्याम किया मगर शाम के शहर हलब को एक खसूस अहमियत हासिल है हलब मुल्क शाम का सरहदी शहर है जिसे एलेपो भी कहा जाता है ये इराक की सरहद रिक्का से नज़दीक तरीन शहर है अहल बैत ने दीर के मकाम पर एक छोटी खानकाह में क्याम किया था जिसका नाम मारूत मरूसा था और ये जबल गरबी के करीब औजान के साथ नहर कजीक के सामने वाक है यहाँ पर सरे इमाम हुसैन को एक पत्थर के ऊपर रख दिया गया सरे अकद से खून के चंद कतरे इस पत्थर पर गिरे और जज्ब हो गए

والذين معه في هذا المكان مشهد الإمام الحسين عليه السلام أو مشهد النقطة كما يقال بهذا الاسم أيضا هذا المكان له ارتباط في معركة كربلاء حيث أن الإمام الحسين عليه السلام عندما استشهد في كربلاء खानक के राहिब ने उस रात सरे इमाम हुसैन से एक नूर को बुलंद होते हुए देखा उन्हें तो गाबानों से पूछा तुम लोग कौन हो उन्होंने कहा हम इब्ने जियाद के सिपाही है पूछा ये सर किसका है राहिब।, देए देए देए। 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 राहिब ने ये सवाल किया क्या है इसका नाम फरमाया फाका कश वतनावारा तृष्ण काम मकतूल नेजो तबरो खंजर हिसाम जिसको मिलाना प्यास में पानी का एक जाम बेगोरो बे कफन जसदे पाश पाश है सर है में लाश है ये हुसैन इब्न अली का सर है जो फातिमा रसूल अल्लाह का बेटा है उसने कहा तुम्हारे नबी का नवासा उन्होंने कहा हाँ ने कहा तुम क्या ही बुरे लोग हो क्या ये मुमकिन है कि तुम मुझे एक रात के लिए ये सर दे दो और मुझसे दस हजार दिरहम ले लो चुनाचे उन्होंने सरे अकदस को राहिब के हवाले कर दिया राहिब ने सरे अकदस को इसी पत्थर पर घुसल दिया खून हुसैन इस पत्थर पर जम गया और चौदह सौ बरस गुजरने के बाद भी आज ये उतना ही ताजा है इसने अल्लाह से और इस जगह की बरकत से ये एक अहम जियारतगा होने के साथ एक मोजिज नुमा मकाम भी है इस वाक़े की मुनासिबत से इस मकाम पर एक अहम जियारत तामीर की गई इसे मशदुल नुक्ता का नाम दिया गया तीन सौ तैतीस हिजम हमदानी ने हलब फ़ताह किया तो हमदानी सल्तनत का पाया तख्त हलब को करार दिया इसने खानका में रोज़ा तामीर किया और इस मुकद्दस पत्थर को महफूज कर दिया और इसे मशदुल हुसैन का नाम दिया सैफुद्दौला के बाद इसकी तामीर जदीद अलहाज अबू नसर बिन तब्बाख ने की इसका मरकजी ऐवान अलहाज अबू गानम बिन शी ने बनाया सफीउद्दीन तारिक बिन अली अलबालिस ने मरकजी दरवाजा बनवाया और पांच सौ पचासी हिजरी में ये इमारत मुकम्मल हो गई जब सुल्तान सलाहुद्दीन ने हलब फता किया तो वो यहाँ आकर जियारत करता था तातारियों की यलगार ने इस जियारत गाह को भी न छोड़ा वो लूट मार करते हुए तमाम तहयफ जवाहर ले गए और इमारत को शदीद नुकसान पहुंचा। जब मलिक सुल्तानुल ज़ाहिर हलब के हुक्मरान हुए तो उन्होंने यहाँ तामीर नौ का बीड़ा उठाया उन्नीस सौ सत्तर में इस जीतगा की तमीर जदीद का, का काम अजसर नौ शुरू किया गया जिसकी सरपरस्ती आयतुल्लह सैद मोहसिन हकीम ने की और आयतुल्ला शेख नसरुल्ला को तामीरी अमूर का निगरान मुक्र किया ज़ायरीन की सहूलत के लिए वसी व अदीज सहन बनाए गए और जदीद सहूलतें फराम की गई जियारतगा से मुलहिक मस्जिद है इश्क करबला व दमिश्क यके हुसैन रकम कर दो दी गे जैनब मुल्क शाम जिसका नाम सूर्या भी है दमिश्क इसका दारुल खिलाफा है ये फलस्तीन और तुर्की के वस्त में वाक़ है पैगम्बर हजरत आजम ने यहाँ रिहाइश इख्तियार की थी काबिल ने अपने भाई हाबील को इसी सरजमीन पर कत्ल किया था दमिश दुनिया का कदीम तरीन शहर है जमान कबल तारीख दमिश्क मौजूद था सात सौ बत्तीस कबल मसीह एसरियन आबाद थे इसके बाद मुख्तलिफ कौमें आबाद रहीं दमिश् कदीम और जदीद तहजीब का संगम है तारीख़दान दमिश को जौलाख अलफ़ाया, अलशाम दमिश इबन क़नान कहते हैं कदीम दमिश के चारों तरफ मजबूत दीवार थी और आठ कदीम दरवाजे थे जिनमें से दो इस्लामी हुकूमतों की यादगार हैं दमिश को इस्लामी दुनिया में मुमताज़ मकाम हासिल है जिसकी बुनियादी वजह रोज़ा सैद ज़ैनब कब्रिस्तान बाबीर मस्जिद अमवी रोज़ जनाब रुकिया बिनते हुसैन है कब्रिस्तान बाबीर दमिश् में मकाम शर्जी में वाक़ है ये एक वसी वरीज़ कब्रिस्तान है जहाँ आम लोगों के अलावा इस्लामी दुनिया की अजीम बरगजीदा हस्तियाँ महातुलमोमिन और इमाम जादगान मदफून हैं इन कबूर की खास पहचान ये है कि इन पर सब्ज गुम्बद है ये हजरत बिलाल हबशी की कब्र है आपका ताल्लुक हबश से था आप रसूल हैं और आपको इस्लाम के पहले मुजिन होने का शर्फ हासिल है मकसूद था जो तज रबुल जलाल फरमान पर रसूल के हाजिर हुए बिलाल ऐसी अजान दी कि फिजा हो गई निहाल हैरत से सुन रहे थे फसाहा ने बा कमाल अब क्या करें सना कोई ऐसे मकाल की तारीख में है गूंज अजान बिलाल की बराबर में सहाबी जलील अब्दुल्ला इब्ने जाफर तैयार की कब्र है इस गुम्बद के नीचे असमा जोजय जाफर तैयार सैदा मैमूना बिनते इमाम हसन और हमीदा बिनते मुस्लिम इब्ने अकील हैं एक गोशे में सकीना बिनतुल हुसैन और सयदा कुलसूम बिनते इमाम अली इबन अबी तालिब का रोज़ा है जनाब सकीना इमाम हुसैन की छोटी और लाडली साहिबजादी थी जिनका इंतकाल शाम के कैद खाने में हुआ नन्नी सी कहा कब्र बनाऊ मैं तुम्हारी चादर भी नहीं जिसका कफन दू तुम्हें बारी परदेश में की तूने ने कजा है मेरी प्यारी क्या आखिरी पर... खिदमत करे माँ दर्द की मारी पोशीदत है खाक जो तन होगा तुम्हारा ये खून भरा कुर्ता ही कफन होगा तुम्हारा जनाब उम्मे कुलसूम अली इब्ने अबी तालिब की छोटी बेटी हैं आप जनाब जैनब के साथ मदीने से करबला कोफा और शाम में बराबर की शरीक सफर रहीं ये रोज़ा इमाम इमामजाद सैद अब्दुल्ला का है आप इमाम जैन अलाबिदीन के फर्जंद हैं दो अजवाज रसूल के रोज़े भी इसी कब्रिस्तान में हैं उम हबीबा की कब्र मुबारक ये है आपका असल नाम रमला है आपका इंतकाल चवालीस हिजरी में हुआ आप पाकिजा ज़ात उमदा सिफात और सखावत करने वाली बुलंद हिम्मत खातून थी ये उम सलमा की कब्र मुबारक है आपका असल नाम हिंदिया और रमला है कुन्नीत उम सलमा है आपका इंतकाल इकसठ हिजरी के आखिर में चौरासी साल की उम्र में हुआ ये कनीज फातिमा जनाब फिजा की कब्र है आपका ताल्लुक हबशा से था आपका असल नाम मैमूना था फिजा के मानी चांदी के हैं आपने जनाब फातिमा जहरा की खिदमत को अपना फरीजा बनाया आप वाकई करबला में शरीक रहीं और अपने आखिरी अयाम तक अहल बैत के साथ रहीं वो मकतब आये मसावत की तहजीब वो फिजा नवाजी में मुदारात की तहजीब अल्लाह रे ने मसावत का वो घर जो काम हो फिजा का वो जहरा के बराबर इसी कब्रिस्तान के नजदीक रऊ से शहदा करबला है रिवायत के मुताबिक यहाँ करबला के सोलह शहदा के सरहाय मुबारक दफन हैं और यहाँ एक जरियतामीर की गई है मस्जिद अमवी से नजदीक रुक़ै बिनते हुसैन का रोज़ा है ईरान ने गर्दोनवाह के मकानात खरीद कर इस मकाम पर एक शानदार रोज़ा तमीर किया जो रुकैया बिनतुल हुसैन के नाम से मशहूर है शहरे दमिश्क से पंद्रह किलोमीटर के फासिले पर जनाब जैनब का रोज़ा है ये मकाम पहले राविया के नाम से मशहूर था अब इसे जैनबिया कहा जाता है आपकी विलादत पांच अव्वल पांच हिजरी में हुई आपका नाम जैनब रसूल अक्रम वसल्लम ने रखा जैनब इब्रानी लफ्स है ये लफ्स जैन से और अब से मरकब है जिसके मानी हैं बाप की जीनत आपके मशहूर अलकाब अकीला आरिफा मौसुका यानी मोतबिर खातून आलिमा फाजिला कामिला अकीला बनी हाशिम आबिदा आल मोहम्मद हैं तारीख ने आपको मुसाइब का लकब दिया आप अब्दुल्ला जाफर तैयार की सौजा हैं और आपके दोनों फरजंद ओन मोहम्मद करबला में शहीद हुए वाक करबला के कुछ अर्से के बाद आपकी वफात हो गई जनाब जैनब नेस्मत और पाकिजा आदात अपने नाना रसूल अक्रम सीखी सब्र वकार अपनी नानी जनाब खदीजा से लीं फसाद कलाम का दर्श अपने वाल अली इबन अबी तालिब से लिया इफ़त अपनी वालदा गिरामी जनाब फातिमा जहरा से सीखी इल्म और बुरदबारी अपने भाई हसन से और शजात और शहामत अपने भाई हुसैन से हासिल की आप सर चश्मा नबी की पार जिगर हैं साहेब खुल्क अजीम बेपाया शर्फ़ की मालिक हैं परहेजगारों के लिए सरमायाफ्तार हैं अल्लाह की रहमतें और बरकतें आप पर साया फिगन हैं आप जमजमो सफा की आबरू बढ़ाने वाली बीवी हैं आप मजहर वसफ इमामत हैं आपके रोज़े की तमीर तुर्क सलातीन के दौर में हुई और तामीर जदीद उन्नीस सौ अट्ठासी ईस्वी में की गई चौवन मीटर बुलंद मीनार तमीर किया गया जिस पर ईरानी तर्ज के काशी टाइल्स इस्तेमाल किए गए हैं और अल्लाह के निन्यानवे नाम लिखे गए हैं रोजे का गुम्बद सोने का है मस्जिद अमवी एक नहायत वसीज शानदार मस्जिद है ये अपने तारीखी हवाले से मुनफरिद अहमियत की हामिल है यहाँ तीन मुख्तलिफ तहजीबों के आसार मौजूद हैं इसकी बुनियादें चार हजार साल तक फैली हुई हैं ये मस्जिद दरअसल मुख्तलिफ अदियान मजाहिब और इनकी तामीरात की एक तारीख है चार हजार साल पहले आतश परस्तों की इबादतगाह थी जहां इनके खुदा आजर की पूजा हुआ करती थी यूनानियों ने इसे अपनी इबादत गाह बनाया बाद में इस सरजमीन पर रोमन मसीहियों ने गलबा हासिल किया उन्होंने अपने मबूद जूपिटर की इबादतगाह के तौर पर कुछ हिस्सा कलीसा में तब्दील कर दिया और कदीस योहन्ना मारी योहन्ना का नाम पड़ गया सत्रह हिजरी में मुसलमानों के हाथों दमिश्क फतह हुआ तो ये आतश कदा बुत कदा कलीसा बाद में मस्जिद में तब्दील हो गया वलीद बिन अब्दुल मलिक ने इसे जाम मस्जिद अमवी का नाम दिया इससे कबल इकसठ हिजरी में ये यजीद का दरबार था इसका मजमू रकबा पंद्रह हजार मुरबा मीटर है मस्जिद के वस्त में नबी अल्लाह हजरत याहिया इबन जकरिया का सर भी दफन है मस्जिद अमवी से मुलहिक खंडरात का ढेर आज भी मौजूद है ये यजीद इब्न माविया का महल है जहाँ वो रहता था माजी में जुल्मदाद करने वाली हुकूमतों और जाबिर हुक्मरानों का जिक्र अब इन जमीन बोस खंडरात तक महदूद है वो भी इसलिए कि अगर आज दुनिया में कहीं भी जुल्म जोर होगा तो इन हुक्मरानों का अंजाम भी इससे मुख्तलिफ नहीं होगा महल से नजदीक ही एक बंद गली में वीरान उजाड़ते खाने में यजीद इबन माविया की कब्र है हैं जेर जमी साहेब तख्तो अलमोहताज जो साहिब नौबत थे निशान उनके नहीं आज जो शाह के शाहों से सदा लेते रहे बाज वो बाद फना आप कफन के रहे मोहताज जब अहले बैत का काफिला दमिश्क पहुंचा तो इनको एक तारीख जिंदा में कैद कर दिया गया जब कैदियों को खाना जिंदा में शब हुई बच्चों को मारे खौफ की हालत अजब हुई घुट घुट के दुख तर शह जहा बलब हुई मुस्तर कमाल बिनते अमीर अरब हुई आफत का सामना था नई वारदात थी जहरा की बेटियों पे क्यामत की रात थी ये शाम का कदीमी बाजार हमीदिया है अहले बैत को दरबार में इस बाजार की तंग गलियों से गुजार कर लाया गया हजारों का मजमा था यजीद की खुशनूदी हासिल करने के लिए अहले बैत को मुकर्रर वक्त से कबल पहुंचा दिया गया जिसकी वजह से अहले बैत को दाखिली दरवाजे पर कई घंटे तक रोक दिया गया और इसी मकाम को बाबू साथ कहते हैं दरबार में दाखिले के सात दरवाजे हैं एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे तक दो रुखा फौजें खड़ी थीं। यजीद के सिपाही जलालत और शहनशाहीत की निशानी बने मुसल्ला खड़े थे जब अहले बैत सातवें दरवाजे पर पहुंचे और जनाब जैनब ने दरबार को देखा तो आप बैठ गईं कह दो मुझे दरबार में हाकिम न बुलाए कलकत को दोबारा न मेरी शक्ल दिखाए गर कत्ल हो मंजूर तो कातिल यहीं आए मौजूद हूं खंजर मेरी गर्दन पे फिराए फिक्र गमो अंदो से आजाद हो जैनब सर तन से जुदा हो तो बहुत शाद हो जैनब अहले बैत दरबार में दाखिल हुए तो पहले उन्हें एक गोशे में बिठाया गया इस मकाम की पहचान के लिए इस जगह के अतराफ में लकड़ी के कटहरे बना दिए गए हैं ये वो जगह है जहा यजीद बैठा था अहिल बैत को यजीद के सामने पेश किया गया यही वो मकाम है जहां जनाब जैनब ने खुतबा इरशाद फरमाया था यजीद से अहले बैत का तारुफ करवाया गया उसने पूछा ये कनीजों के हल्के में कौन मकरूर औरत बैठी है जवाब मिला ये अली की बड़ी बेटी रसूल की नवासी जैनब कुबरा है दरबार वालों ने उठ उठ कर देखना शुरू किया तो कनीजों में से एक कनीज ने कहा कि तुम लोगों को शर्म नहीं आती अपनी गर्दनें नीची करो जुबैर तो इब्न कैस ने यजीद के सामने सरे हुसैन पेश किया और कहा कि अमीर मुबारक हो कैदी आ गए मोहम्मद का नवासा कत्ल कर दिया गया इसके बाद शोहदा के सर पेश किए गए यजीद ने पूरे दरबार का जायजा लिया यहूदियों का आलिम रसुल जालूद सफीर रोम नसरानियों का आलिम उलमा और अरकान दौलत मौजूद थे उसने सूर आल इमरान से इस आयत को पढ़ा उदा जिसको चाहता है मुल्क देता है और जिससे चाहता है मुल्क ले लेता है जिसको चाहता है इज्जत देता है जिसको चाहता है जिल्लत देता है जनाब जैनब ने यजीद को मुखातिब करके कहा कि आयात को अपने मतलब के लिए इस्तेमाल मत कर इस वक्त तेरा इस आयत को पढ़ने का क्या महल है उसके बाद आपने अपना तारीख साज़ और अहदाफरीन खुतबा इर्शाद फरमाया शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो रहमान और रहीम है सारी तारीफ आलिमीन के रब के लिए है मैं सितम दीदा सही मगर तारीफ तेरे लिए मेरा घर तबाह सही मगर हम तेरे लिए मेरा खानदान कुछ राह वफा सही मगर बंदगी तेरे लिए और दरूद सलाम मेरे नाना पर आपने जैसे ही खुतबे का आगाज किया दरबार वालों ने पहचान लिया कि जिस बात को छुपाया जा रहा था अब वो बात आशिकार हो गई हर तरफ सरगोशियां शुरू हो गई हाँ बुरा अंजाम है उन लोगों का जो अल्लाह की आयतों की तकजीब करें और जो अल्लाह की आयतों का मजाक उड़ाएं क्यों यजीद तूने अल्लाह के कौल को भुला दिया अल्लाह का कौल ये है कि काफिर ये गुमान न करें कि हमने जो उनको मोहलत दी है वो इसलिए दी है कि उनका जमाना हमें पसंद आया है या नहीं ये मोहलत इसलिए है कि वो गुनाह पर गुनाह किए जाए ताकि अजाब ज्यादा हो क्या यजीद तू गुमान करता है कि ये मुल्क है नहीं ये मोहलत है क्या तू ये समझता है कि तेरी ये हुकूमत है तेरा इकतदार है और हमारे लिए कोई राह नहीं और तू ने हमको दर बदर फिराकर अपने जबरूत का ऐलान किया ये गलत है हाँ यजीज ऐसा हुआ कि हम शहर बशहर फिर आए गए हमको लोगों ने देखा कि हमारे सरों पर चादरें नहीं थीं ये सच है मगर तुमसे और क्या तो होती जिसका गोश्त पोस्त उगा है शहीदों के लहू को पीकर और तू क्यों जल्दी ना करता हमारी शहादत पर क्योंकि तेरी निगाह बोग्श निगाहें अदावत हमारे घर आने पर लगी हुई थी किसका लश्कर कमजोर है ये तू जान लेगा मैं देख रही हूं कि तू मेरे खुतबे को रोकना चाहता है तू किसी और काम में मसरूफ है हाँ अब जितनी तुझ में हिम्मत है सितम और कर ले यजीद, तू हमको डराता है उसकी कसम जिसने हमारे घराने में नबूवत दी उसकी कसम जिसने हमको किताब से सरफराज किया तू हमारे मकसद को पा न सका अब तू हमारे जिक्र को क्यामत तक न मिटा सकेगा तू ये ना बतला सकेगा कि आले मोहम्मद किस झ के लिए कुर्बानी दे रहे थे अब तेरी राय में फतूर आ चुका है तेरे दिन गिनती के रह गए अब तेरा मजमा मुंतशिर होने वाला है तारीख से साबित है कि आपकी ये पेशीनगोई गोई चंद दिन बाद ही पूरी हो गई जब शाम के कैद खाने में हुसैन की एक बच्ची का इंतकाल हो गया और अरकिन दौलत शाम यजीद के सामने सफारा हो गए और शाम में बगावत का आगाज हो गया मैं दुआ करती हूँ अल्लाह से कि जिसने हमको शहादत और शहादत अदा की इसी तरह से हमको विरासत अर्जी नसीब हो इसी तरह से हमको खिलाफत अर्जी भी मिले और इसी तरह से हम उसकी बंदगी में कामयाब रहे जनाब जैनब का खुतबा उस आयत पर खत्म हुआ जिसकी इब्तदा में तिलावत की गई जिसका तर्जुमा है कि अल्लाह ही हमारे लिए काफी है वही हमारा सहारा है सलाम हो खुदा की राह में जहाद करने वाली पर दीन के सबसे बड़े पेशवा की सियादत माँ बेटी पर खदीजा कुबरा अबदी यादगार पर अली मुर्तजा की दुख्तर पर फातिमा जहरा की जिंदगी के जौहर पर गरीबलवतन पर असीर महन पर आपकी खिदमत में सलाम हजारों दुरूद सला तर्जमान सीरत आ काम दीन Mustafa.